हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है, आइए जानते हैं जुर्म से संबंधित आईपीसी की धारा। आईपीसी सेक्शन 140 में क्या है? जुर्म, अवैध हथियार रखना जिससे जान को खतरा हो। सजा है इसकी 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों। आईपीसी सेक्शन 147 में क्या है? जुर्म, दंगा करना। सजा है 2 साल की जेल या जुर्माना दोनों। आईपीसी सेक्शन 279, जुर्म खराब ड्राइविंग और दूसरों की जान खतरे में डालने पर। सजा इसकी 6 महीने की जेल या जुर्माना दोनों। आईपीसी सेक्शन 295, धार्मिक स्थल तोड़ने या फिर अपमान करने पर 2 साल। सजा इसकी 2 साल की जेल या जुर्माना दोनों। आईपीसी सेक्शन 300, इसमें क्या है? जुर्म है हत्या के आरोप में धारा 300 के को आरोपी पर लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आईपीसी सेक्शन 302, जुर्म हत्या करने के आरोप में धारा 302 लगाई जाती है। आईपीसी सेक्शन 307, हत्या करने की कोशिश पर आरोपी पर धारा 307 लगाई जाती है। फिर आईपीसी सेक्शन 309, इसकी जुर्म क्या है? आत्महत्या की कोशिश में भी धारा लगती है, क्योंकि आत्महत्या एक गुनाह है। आईपीसी सेक्शन 312 में गर्भपात करने के आरोप में धारा 312 लगती है। आईपीसी सेक्शन 359, अपहरण करना 7 साल की जेल या जुर्माना। आईपीसी देख लीजिए उसके। आईपीसी सेक्शन 376 में किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करना या सबसे कठोर धारा मानी जाती है। आईपीसी सेक्शन 378 में क्या है? चोरी करने के आरोप में धारा 378 लगाई जाती है। आईपीसी सेक्शन 420 में जब कोई कंपनी बेईमानी या फर्जीवाड़ा करता है तो इसका सजा है 7 साल की जेल या जुर्माना। आईपीसी सेक्शन 489B, जानबूझकर जाली नोट चलाने की कोशिश करना, इसमें 10 साल की जेल है। आईपीसी सेक्शन 509 में बोलकर इशारों या आवाज़ में महिला को परेशान करना, 1 साल की जेल है। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 510, इसमें सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करना इसमें है। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि लाइक करिए। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।